हेलो, मेरा नाम है श्रेयस और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरी कुकिंग चैनल में जिसका नाम है कुक विद श्रेयस। और आज हम बनाएंगे पनीर भुर्जी और उसकी सैंडविच। पनीर भुर्जी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पनीर की डिशेस में से एक है और उसका रीजन है उसके क्रम्बली सॉफ्ट टेक्सचर और उसके स्पाइसी फ्लेवर्स। और साथ में ये बहुत ही वर्सेटाइल डिश है, आप इसको यूज करके और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हो। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले आज पनीर भुर्जी बनाएंगे और साथ में मैं उसको यूज करके बनाऊंगा पनीर भुर्जी की सैंडविच, जो बहुत ही आसान है। अगर आपकी प्रिपरेशंस रेडी हो तो ये मिनट्स में बन जाती है और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी भी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पनीर भुर्जी और उसकी सैंडविच। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो पनीर भुर्जी सैंडविच बनाने से पहले हम बनाएंगे पनीर भुर्जी। उसके लिए मैं एक पैन ले लूंगा और उसको गर्म करने के लिए रख दूंगा। जैसे ही पैन गर्म होती है हम उसमें डालेंगे एक टेबलस्पून जितना बटर और बटर के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा तेल ताकि बटर जल ना जाए। जैसे ही तेल गर्म होता है इसमें जाएगा आधा टेबलस्पून जीरा। जीरे को हमें अच्छे से क्रैकल होने देना है। उसके बाद हम डालेंगे 10 से 12 कड़ी पत्ते जिसको मैंने काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज लिया हुआ है जिसको मैंने पतला पतला स्लाइस किया हुआ है। अब यहाँ से हमें प्याज को मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक सौते करना है। द पर्पस इज प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाने चाहिए, अच्छे से कैरेमलाइज हो जाने चाहिए, उसकी स्वीटनेस अच्छे से बाहर आ जानी चाहिए ताकि एंड में जब पनीर भुर्जी बन के रेडी हो तब उसमें प्याज का जो फ्लेवर है वो अच्छे से खिल के आए। प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक। मैंने यहाँ पे 10 से 12 कलियां गार्लिक की ली हुई है जिसको मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है। साथ में जाएगा एक टेबलस्पून जितना फाइनली चॉप्ड जिंजर और साथ में जाएगी दो ग्रीन चिलीज जिसको फाइनली चॉप किया हुआ है। अब हमें इसे 1 से 1.5 मिनट तक सौते करना है ताकि जिंजर गार्लिक और चिलीज का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। जैसे ही जिंजर गार्लिक और चिलीज पक जाता है इसमें जाएगा टमेटोज। मैंने एक मीडियम टमेटो लिया हुआ था जिसको मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है। टमेटोज डालने के बाद हमें इसको फिर से सौते करना है। इसको हमें अच्छे से पकाना है कम से कम 5 मिनट तक ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, अच्छे से पक जाए। जैसे ही टमाटर थोड़े से पक जाते हैं हम इसमें डालेंगे सब्जियां। मैं यहाँ पे आधा कप जितना कटा हुआ गाजर डालूंगा। गाजर के साथ जाएगा आधा कप जितना कटा हुआ कॉलीफ्लावर और साथ में जाएगी आधा कप फाइनली चॉप ग्रीन कैप्सिकम। सब्जियां डालने के बाद हमें इसे फिर से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाना है, अच्छे से सौते करना है ताकि सब्जियां अच्छे से पक जाए। सब्जियों को हमें पूरा नहीं पकाना है, उसकी एक बाइट रहनी चाहिए। सब्जियां डालने से यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला तो डिश का जो न्यूट्रिशन लेवल है, हमारी सैंडविच का न्यूट्रिशन लेवल है वो बढ़ जाएगा और साथ में सब्जियां एक अच्छा टेक्सचर देगी, अच्छा सा क्रंच भी देती है। सब्जियां सौते हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे पाउडर मसाले। इसमें जाएगी आधा टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर, साथ में जाएगा 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जितनी रेड चिली पाउडर और आधा टीस्पून जितना भुना जीरा पाउडर, जिससे भुर्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मसालों के साथ सीजनिंग के लिए हम इसमें डाल देंगे हल्का सा नमक। अब मसाले डालने के बाद हमें इसे फिर से आधे मिनट तक सौते करना है ताकि मसाले अच्छे से पक जाए। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले ना। पानी डालने के बाद हमें इसे फिर से एक बार अच्छे से हिलाना है जिससे सारे फ्लेवर्स एक साथ आ जाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी भी एडजस्ट हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यानी कि पनीर। मेरे पास यहाँ पे 200 ग्राम पनीर है जिसमें से मैं 100 ग्राम पनीर इसमें ग्रेट करके डालूंगा और उसके बाद जो बाकी का 100 ग्राम पनीर बचेगा मैं उसको हाथों से क्रम्बल करके इसमें डालूंगा। ग्रेट किए गए पनीर को हमें मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करना है। सारे मसाले, सब्जियाँ और पनीर आपस में अच्छे से मिल जाने चाहिए, सारे फ्लेवर्स एक साथ आ जाने चाहिए एंड दैट्स इट, हमारी पनीर भुर्जी ऑलमोस्ट बनके रेडी है। लास्ट में इसको फिनिश करने के लिए हम इसमें डालेंगे कटा हुआ फ्रेश कोरिएंडर। कोरिएंडर डालने के बाद हमें इसको लास्ट बार अच्छे से हिला लेना है एंड दैट्स इट, हमारी पनीर भुर्जी बनके रेडी है। हम इसको साइड पे रख देंगे और हमारी पनीर भुर्जी सैंडविच बनाना स्टार्ट करेंगे। अब इसकी सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगी ब्रेड। मैं यहाँ पे ब्राउन ब्रेड यूज कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो व्हाइट ब्रेड भी यूज कर सकते हो। अब हमें इस पे बटर अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं पहले वाले ब्रेड पे लगा दूंगा और इसी तरीके से अच्छे तरीके से फैलाते हुए हम दोनों स्लाइस पे बटर लगा देंगे। बटर के बाद हमें किसी भी एक साइड पे ग्रीन चटनी अप्लाई करनी है। मैंने यहाँ पे मिंट, कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज को यूज करके एक बेहतरीन ग्रीन चटनी बनाई है। आप अपने तरीके से भी ग्रीन चटनी बना के यूज कर सकते हो। ग्रीन चटनी को हमें स्लाइस पे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। अब ग्रीन चटनी के ऊपर हम रखेंगे पनीर भुर्जी जो हमने अभी अभी बना के रखी हुई है। हम 2 से 3 टेबलस्पून जितनी पनीर भुर्जी ऊपर रख देंगे। आप चाहो तो ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन पनीर भुर्जी इतनी ही रखने का रीज़न यह है कि हमें सारे फ्लेवर्स एक साथ आने चाहिए, सिर्फ पनीर पनीर ही नहीं लगना चाहिए।
तो आपको पनीर भुर्जी को अच्छे से फैला देना है, 2 से 3 चम्मच जितनी। उसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ ग्रेट करेंगे, चीज़ सैंडविच के फ्लेवर को और भी बढ़ा देगा। मैं यहाँ पे करीबन 25 ग्राम जितना प्रोसेस चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। चीज़ के बाद हम इस पे टमाटर की स्लाइसेस का एक और लेयर लगाएंगे, जो हमारी सैंडविच को एक अच्छी सी फ्रेश टैंगीनेस देगा। टमाटर को हल्का सा सीजन करने के लिए हम इस पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे। अब हमें इसके ऊपर दूसरी वाली ब्रेड की स्लाइस रख देनी है। हमारी सैंडविच ग्रिल होने के लिए तैयार है। अब हम इसको ग्रिल करने के लिए साइड पे रख देंगे। ग्रिलिंग के लिए मैं यहाँ पे एक ग्रिलिंग पैन ले रहा हूँ। अगर आपके पास ग्रिलिंग पैन नहीं है तो आप सादी वाले नॉनस्टिक पैन में भी इसको ग्रिल कर सकते हो। हम इसको अच्छे से गर्म करेंगे और इसके ऊपर बटर अप्लाई करेंगे, ताकि ग्रिल करते टाइम हमारी सैंडविच चिपक ना जाए। जैसे ही पैन गर्म हो जाती है, हम सैंडविच को ग्रिल होने के लिए पैन पे रख देंगे। हमें इसको दोनों साइड पे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से ग्रिल करना है। जैसे ही पहली साइड ग्रिल हो जाती है, हम उसको पलट देंगे और दूसरी साइड को ग्रिल होने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हो कि ऊपर का लेयर एकदम क्रिस्पी हो चुका है और उस पर ग्रिलिंग के बार मार्क्स भी अच्छे से आ चुके हैं। हमें बस ऐसे ही सैंडविच चाहिए थी। हम इसको दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट तक ग्रिल होने देंगे। हमारी दूसरी साइड भी अच्छे से ग्रिल हो चुकी है। अब हम उसको सर्व करने के लिए निकाल देंगे। सर्व करने से पहले मैं इसकी लेयरिंग आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको कट करूँगा एकदम बीच में से। हमें इसको अच्छे से कट करना है। ध्यान रखिएगा कि कट करते टाइम सैंडविच स्प्लिट ना हो जाए। कट करने के बाद हम इसको दोनों हाथों से खोल देंगे। आप देख सकते हो कि दोनों ब्रेड के बीच में टमेटो, ग्रीन चिली और उसके बीच में पनीर भुर्जी का लेयर एकदम सही है। ये दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी पनीर भुर्जी सैंडविच बनके रेडी है। अब हम उसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए प्लेट पे मैं सबसे पहले ग्रीन चटनी रखूंगा, उसके बाद में मैं सैंडविच के 3 स्लाइसेस रख दूंगा सर्व करने के लिए, और हम सैंडविच को अच्छे से वेफर्स के साथ सर्व करेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में ऐसी ही एक आसान रेसिपी के साथ। तब तक कीप कुकिंग।